तू मुझे मारेगा भोसड़ी के। आगे वालों से, आगे वालों से जरा तो मार के दिखा। तू आया नहीं भोसड़ी के, तुझे बुलाया गया है। वैभव एक बात याद रखना, मेरा खेल तो यही खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई अभी लंबी है। एक बात याद रखना, जीवन में जो भरोसे वाले होते हैं सबसे बड़े भोसड़ी वाले वही होते हैं, याद रखना। बिना भैया हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। आलोक देव की हत्या की खबर उसके चाचा भैरव पंडित तक पहुंच चुकी थी। पूरे शुक्लागंज से लेकर कानपुर तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हर गली और हर मोहल्ला खाली हो चुका था, क्योंकि हर किसी को पता चल गया था कि भैरव पंडित कानपुर आ रहा है। दो कौड़ी का दिहाड़ी मजदूर हमारे भतीजे मार के चला गया, तुम लोग टट्टे तोलते रह गए। नहीं भैया जी, हम तो बोले आलोक भैया से कि हमका साथ में लेके चलो। कहीं नहीं बउआ, तुम ना जाइयो, हम जाइबे विनय भदौरिया के अकेले। अब मैं अकेला जाऊंगा उसमें भदौरिया की माँ चोटे। विनय भदौरिया की माँ चोटे चोटे अपनी बुआ चुदाली बेटी चोटे मादर चोट। वैभव जोशी चाहिए मुझे मेरे पैरों के नीचे। मादर से वैभव जोशी तैयार हो जा, आ रहा हूं मैं। वैभव जोशी ने आलोक देव को मार तो दिया था, लेकिन विनय भदौरिया की अंतिम सांसें देखकर वो टूट सा गया था। क्योंकि ना अब विनय भदौरिया और ना उसका भाई मोहित जोशी, कोई नहीं था जो उसे सही राह दिखा सके। अब सिर्फ एक ही इंसान था जो वैभव जोशी को रास्ता दिखाने में उसकी मदद कर सकता था। उसका खुद का जुनून। क्या हुआ? किस बात का डर है तुझे? तुम कौन हो? मैं तेरी अंतरात्मा हूं। मैंने आलोक देव की हत्या करी है, मैंने खून किया है, मुझे गांव जाना ही होगा, मैं यहां नहीं रह सकता। ठीक है, तू जा फिर, लेकिन तूने जिसको खत्म किया है ये सब करके क्या फायदा मिला?
उसकी जगह कल कोई और आ जाएगा तो क्या कर लेगा? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? गंदगी को साफ करने के लिए तुझे खुद गंदगी में उतरना पड़ेगा। अब उठ और पूरे कानपुर को दिखा दे कि वैभव जोशी क्या है। जितने भी माफिया हैं अपने पिछवाड़े को पूरा चोर लगा दे। दिहाड़ी मजदूर वैभव जोशी यही खड़ा है। उठ चुका है जलजला तूफान का जमाना भी देखेगा तबाही का मंजर। आलोक देव की हत्या के बाद पूरे कानपुर में वैभव जोशी का डंका बज उठा। सारे मजदूर वैभव जोशी के पक्ष में थे और उनके साथ मिलकर वैभव ने अपना एक सिंडिकेट बनाया। अब पर्ची कटवाने के नाम पे कोई हफ्ता वसूली नहीं होती। अब कौन सा लेबर कितना काम करेगा और उस काम की कितनी दिहाड़ी लेगा यह वैभव जोशी तय करता। वैभव जोशी एक दिहाड़ी मजदूर से दिहाड़ी माफिया बन चुका था। अब भैरव पंडित नहीं वैभव जोशी था कानपुर का राजा। वैभव भैया ने मौत किया हमारी, हमारी सारी कमाई हम अपने पास रखा थे, कोई दिहाड़ी नहीं देनी पड़ती। वैभव जोशी ने कानपुर से धंधे को खत्म कर दिया। भैरव पंडित की राजगद्दी शुक्लागंज से शुरू होती थी, इसलिए वैभव जोशी ने सबसे पहले कानपुर और शुक्लागंज के बीच के जितने भी रास्ते थे उनको बंद करवा दिया। पूरे कानपुर में भैया जी के जितने भी अनाज के गोदाम थे उन्हें एक एक कर वैभव जोशी ने लूटना शुरू कर दिया और वो सारा सामान गरीबों में और दिहाड़ी मजदूरों में बांटना शुरू करवा दिया। अनाज भैरव पंडित का लूट रहा था लेकिन नाम वैभव जोशी का हो रहा था। भैरव पंडित के सारे गोदामों का लूट कर उन गोदामों को तोड़कर वैभव जोशी उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए छोटे छोटे क्वार्टर्स बना रहा था जहां वो दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार के साथ रह सकें। और आज फिर वैभव जोशी को खबर लग चुकी है भैया जी के एक और गोदाम के बारे में। माला सब सही से पैक करवा दिया था सेफली? ठीक है, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, पता है ना भैया जी का समय खराब चल रहा है इस समय। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, चलो ठीक है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। रंडी 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 कहाँ रे? तंग किया इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा दुश्मनी की दांतों पे का है बेशरम रंग, कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। नाम तो हेलो हेलो चर्रा, मैं पहुंच गया हूँ, जल्दी पहुंचो तुम भी। ठीक क्यों भोसड़ी के डर के है क्या? अबे वैभव जोशी, तुम्हारी दुश्मनी भैरव पंडित से है ना, तुम हमें काहे मार रहे हो? हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम तुम्हें नहीं मारेंगे बाबू, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना काम करने दे और तू बंदूक रख के नीचे हट। अच्छा अगर ऐसी बात है भैया तो ठीक है, लो हमने बंदूक नीचे रख दी। घोसड़ी के वैभव जोशी आ गया ना लांड आंट के नीचे। यह संकेत राय उर्फ छर्रा विनय भदौरिया का छोटा भाई। विनय की मौत के बाद वैभव जोशी ने इसे अपने साथ रख लिया था, अपने छोटे भाई की तरह। मेरा छर्रा भाई, अमित बापना तुम्हारी कान। अब हम आए, लड़ाई बंदूक से नहीं हथियारों से होगी।
बच्चों कहाँ भाग रहा है वो फ्री के? भाग गया साला। आज जाने को कर रहा भाई, पहले तो कभी पकड़ लेंगे, लेकिन अभी चलो गोदाम का सारा माल मजदूरों को बताना। जैसे श्री राम के लिए बजरंग बली, वैसे ही वैभव जोशी के लिए संकेत राय और छगन, इन दोनों ने मिलकर न जाने भैया जी के कितने गोदामों को तहस नहस कर दिया। और इसी तरह वैभव जोशी संकेत राय की मदद से भैया जी के सारे गोदामों को लूटकर उनका अनाज ट्रकों में लोड करवाकर अपने गोडाउन में ट्रांसफर करवा लेता था और उन अनाज से भूखे दिहाड़ी मजदूरों के पेट पालता था। जैसा कि उसने कहा था, अब कोई दिहाड़ी मजदूर भूखा नहीं सोता। हर एक लूटा हुआ गोदाम भैरव पंडित के मुंह पे वैभव जोशी का एक तमाचा था, जो गूंज रहा था कि अब कानपुर पे वैभव जोशी का राज। लाइफलाइन को हेडलाइन में बदलने का पूरा हौसला रखता है वैभव दिहाड़ी मजदूरों के हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ने के अलावा वैभव जोशी एक और काम भी किया करता था। इनसे मिलिए, यह है रिया कुमारी। जी हाँ, यह वैभव जोशी का लव इंटरेस्ट। जब वैभव जोशी अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं, तो ज्यादातर वो इनके साथ ही पाए जाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दुनिया की एक लौती ऐसी इंसान है जिनसे वैभव जोशी की भी फटती है। अरे अरे अरे, इतनी नाराजगी? पाँच मिनट तो लेट है। पाँच मिनट की वैल्यू बता तुम्हें। अरे सुनो तो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। अरे सुनो तो भाई मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। सुन दो यार। अरे यार, हमें लग रहा है ऐसे मानेगी नहीं। बस बाबा बस, कितनी सजा दोगी? अच्छा ठीक है, इस बार मैं माफ कर देती हूँ, पर अगली बार से नहीं होना चाहिए लेट। पक्का अगली बार से नहीं होगा। हाँ चेटा, उनको बस रोक के रखना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे जाना है, ठीक है? अभी बात तो तुम आए थे। 10 उठा पैटक लगवा लेना, लेकिन अगली बार, ठीक है? अपने दुश्मन को कमजोर समझना एक बात और अपने दुश्मन को चूतिया समझ लेना दूसरी बात है, और शायद वैभव जोशी ये दूसरी बात कर चुका था। अरे भैया, ये है उज्जवल त्रिवेदी, जो वैभव जोशी के साथ उसके गांव में स्कूल में पढ़ता था। इसका यूरोना ये दर्शा रहा है कि शायद कोई अनहोनी हो चुकी है। पूरे गांव को मार दिया भाई, पूरे गांव को मार दिया, कोई नहीं बचा भाई। भैया सबको मार दिया भाई, कोई नहीं। भैया को मार दिया। हाँ भाई, सबको मार दिया। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अपने दुश्मन को चूतिया समझ लेने की गलती वैभव जोशी को बहुत भारी पड़ी। भैरव पंडित ने एक एक कर वैभव जोशी के पूरे गांव को खत्म कर दिया। बूढ़े बच्चे, यहाँ तक कि औरतें
किसी को नहीं छोड़ा। अपने पैसों से भैया जी ने कानून को भी खरीद लिया ताकि कोई उसके रास्ते में ना आ सके। बदले की इस आग ने सैकड़ों को मार दिया, न जाने और कितने होंगे जो इस आग की लपट में लपेटे जाएंगे। अपने भतीजे आलोक देव की मौत का बदला भैरव पंडित वैभव जोशी से इस कदर लेगा इसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। भैरव पंडित इस कदर पागल हो चुका था कि उसने वैभव जोशी का घर तोप से उड़ा दिया और उसके भाई मोहित जोशी और उसकी बीवी को जान से मार दिया। अच्छा, तू वहां बैठा है मोहित जोशी? सुना है मेरे भतीजे ने तेरी गांव में धंधा किया था। तुम मजदूरों की कदर गांव में चुन जाना, आज बताता हूँ मादर चोर तुम लोगों को। अब मैं तुझे ठंडा करता हूँ, कहीं तेरी गांव में कैंसर ना हो जाए। मादर चोर वैभव जोशी। पंडित की बंदूक से निकली हर एक गोली गूंज रही थी। एक पूरा हंसता खेलता गांव बदले की आड़ में कब्रिस्तान बन गया। माता जी को वैभव जोशी ले लिया ना मैंने तुझसे अपने भतीजे की जान का बदला। वैभव भैरव पंडित का फोन आ रहा है। और वैभव जोशी, मेरा संदेश तो तुझ तक पहुंच ही गया होगा। तुझे क्या लगा तू मेरे सारे गोदाम तहस नहस कर देगा और मैं क्या ऐसे ऐसे करता रह जाऊंगा? भैरव पंडित, तू याद कर, जब तेरे भतीजे ने मेरे भाई की गांव में डंडा डाला था ना, तो मैंने उसे मौत की सजा दे दी थी। मैं घर कहीं जाऊंगा जब आलोक देव की अर्थी उठा दूंगा। और तूने तो मेरे इतने गांव वाले भाइयों की जान ली है, तेरा सोच मैं क्या करूंगा? अरे तो आ ना, मैं तो चाहता हूँ तू मेरे बारे में सोच। आ, देता हूँ तुझे मुंह में, आ जा। यही बात है, चल फिर हो जाए एक बार सामना, आ रहा हूँ मैं। सब रमाया खत्म, लंका दहन शुरू। क्या ये भैरव पंडित की कोई चाल थी? इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन भैरव पंडित ने वैभव जोशी को पूरी तरह उकसा दिया था। बिना कुछ सोचे समझे वैभव जोशी भी वही गलती कर बैठा था जो आलोक देव ने की थी, अकेले अपने इलाके से बाहर निकल गया। अपने साथी संकेत राय के साथ वैभव जोशी शुक्लागंज में घुस चुका था। एक बार फिर कानपुर में जंग के नगाड़े बज उठे थे और निशाना था भैरव पंडित। तुम पीछे से जाओ और मैं आगे से जाता हूँ, अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम ही अपने हो और कोई नहीं। हे बाबा बजरंगबली, आज मैं अपने भतीजे आलोक देव की मौत का बदला ले लूंगा, परंतु तू साथ उसी का देना जो सही हो। हे भगवान, हो सकता है मेरा तुझसे आखिरी बड़ा हूँ, लेकिन मुझे इतनी शक्ति देना कि ये भैरव पंडित किसी के आगे झुके नहीं।
वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। वैभव जोशी और भैरव पंडित आमने सामने। भैरव पंडित, पूजा अर्चना से कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मौत तेरे दिल सबकी आनी वैभव जोशी, लेकिन आज दिन मेरा नहीं, दिन तेरा है। अरे वैभव जोशी, ये हंसी हंसी नहीं, ये तेरी कायरता पे थू है जो तू आज नियंत्रक सामने बंदूक लेकर खड़ा है। चल अगर यही बात है तो कोई बात नहीं, आखिरकार मैंने तेरे भतीजे को भी अपने इन्हीं हाथों से तो मारा था। तूने मेरे हाथ में नहीं अपनी कब्र में गोली दागी है। जब तक ये संकेत राय जिंदा है कोई वैभव जोशी को हाथ नहीं लगा सकता है। दल्ले, तेरी भी आज मौत पक्की है। हाँ बाबू ले आ लुल्लू, थोड़े फिले वो मीठे बेर हैं। ले ले वैभव जोशी, पकड़ बंदूक और ले ले अपने भाई की मौत का बदला। देख क्या रहा है वैभव जोशी, चला गोली, अब मार दे मुझे भी जैसे तूने मेरे भतीजे को मारा था। गलत भैरव पंडित, गलत। मैंने नहीं, आलोक देव के घमंड ने उसको मारा था। क्या गलती थी मेरे भाई की? दो वक्त की रोटी तो कमाने आए थे गांव से शहर, लेकिन तूने और तेरे भतीजे ने वो भी कमाने नहीं दी। एक दिहाड़ी मजदूर गांव से शहर आता है मजदूरी करने, लेकिन तुम जैसे माफिया उसे वो भी नहीं करने देते। ये शहर हमारे लिए नहीं है, दो वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। मेरा भाई सही कहता था, मुझे गाँव से शहर नहीं आना चाहिए। भैरव पंडित, अब यहाँ कोई मजदूर प्रताड़ित नहीं होगा जैसे मेरा भाई हुआ था, जैसे मेरे भाई के पिछवाड़े में डंडा किया गया था। कोई मजदूर प्रताड़ित नहीं होगा। सारे माफिया ये नहीं जानते हो ये वही जो राम रची राखा, अब कांट में कोई दिहाड़ी मजदूर भूखे पेट नहीं सोएगा, नंगा नहीं घूमेगा।